हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खोए वाली खीर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में और बनाने में भी आसान है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या सामान लिया है। ये हमने चावल लिए हैं, ये खीर वाले चावल हैं। इनको हमने 2 से 3 बार अच्छे से धो के और आधा घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया है। ये देखिए, ये भीग चुके हैं। तो इसके अलावा हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। ये हमने नारियल का पाउडर लिया है। ये देखिए, ये बाहर से दुकान से भी मिल जाता है, किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। और आप इसको, जो आपके घर में नारियल है, उसको छोटा छोटा काट के मिक्सी में भी इसका ये पाउडर बना सकते हैं। तो ये हमने लिया है, कम से कम 50 ग्राम के करीब है ये। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये कुछ ड्राई फ्रूट है। बादाम है हमारे पास 20-25 काजू है हमारे पास। किशमिश है ये 2 चम्मच के करीब, 2 चम्मच ही हमारे पास। चिरौंजी है ये। ये हमारे पास मगज है, यानी खरबूज के बीज, ये भी 2 चम्मच है। आप ड्राई फ्रूट कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। ये पिस्ता है। और ये हमारे पास सफेद इलायची है, हरी इलायची। शुगर, जो चीनी है, आपको अपने हिसाब से ले लीजिए। बाकी ये जो सामान मैं खीर बना रही हूँ, तो इसमें हम 300 ग्राम के करीब चीनी डालेंगे। और ये हमारे पास खोया है 250 ग्राम। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बनती है, बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने दूध जो है गैस पे रख दिया है। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। देखिए, ये दूध हम पहले ही गैस पे रख चुके थे कि इतनी देर में इसमें उबाल आ जाए। ये 2 लीटर दूध है हमारे पास, तो इसमें उबाल आ चुका है। और ये जो चावल है, ये चावल हम इसमें डाल देंगे। तो ये उबल चुका है और इसमें हम ये चावल डाल देते हैं। धुले हुए हैं हमारे पास ये चावल। इसको हम धीमी धीमी आंच, पहले हम कम से कम 15 से 20 मिनट फुल फ्लेम पे पकाएंगे इसको, अच्छे से उबाल आने। ध्यान रखना है कि ये बर्तन से बाहर ना निकले। तो इसमें उबाल आने तक गैस की फ्लेम हम फुल कर देते हैं। इसमें अभी हमें चमचा नहीं चलाना, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसमें चमचा कोई भी नहीं डालना है, चम्मच या चमचा। तो इसको हम अभी उबाल आने देते हैं। देखिए, ये उबाल आ चुका है। तो इसको हम अभी इसी तरह से 10 मिनट के करीब इसको पकने देते हैं, फिर बाद में गैस की फ्लेम कम कर देंगे। तो आप दूध कम या ज्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 2 किलो दूध है, आप 3 किलो भी कर सकते हैं। तो इसको हम पकने देते हैं। और जो ड्राई फ्रूट है, उसमें से थोड़े हमें चॉप करने हैं, तो उनको हम चॉप कर लेते हैं। इसी तरह से पकेगी, धीमी धीमी आंच पे पकेगी, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। और 10 मिनट हम इसको फुल गैस पे पकाएंगे। तो देखिए, जितनी देर में उबाल आ रहा है, इतनी देर में जो हमारे पास काजू है, इसको हम चॉप कर लेंगे। हमें जो काजू है, आधे ही चॉप करने हैं, बारीक बारीक इनको कट कर लेना है। आप चाहो तो इमाम दस्ते में इसको कूट भी सकते हो। बाकी इस तरह से बहुत अच्छे लगेंगे। हमें इनको आधे ही कट करना है। काजू और बादाम हमें कट करने हैं। आधे काजू हम कट कर लेंगे। देखिए, ये हमने काजू कट कर लिए हैं छोटे छोटे। इसी तरह से हम, ये बादाम है हमारे पास, इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। खीर में जो छोटे छोटे पीस जब मुंह में आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी तरह से हम सारे जो बादाम हैं, इनको भी, आधे बादाम को चॉप कर लेंगे। देखिए, जो काजू और बादाम है, हमने बारीक बारीक उसके आधे आधे हमने चॉप कर लिए हैं। और ये जो हमारे पास मावा है, खोया, यानी कि इसको हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा खराब तो नहीं है। अगर है तो आप इसको एक बार कढ़ाई में डाल के और अच्छे से भून लेंगे, तो ये सही हो जाएगा। बाकी मैंने ये चेक किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है, हम इसी तरह से यूज करेंगे। और ये जो इलायची है, इसको हम फोड़ के, इसके बीज निकाल के, और इसको इमाम दस्ते में कूट के खीर में डाल देंगे। देखिए, ये इलायची के हमने छिलके अलग कर लिए हैं, और इसके ये जो है, जो
अंदर के बीज हैं यानी इलायची दाना, इसको हमने अलग के लिए, इसको हम कूट के और उसमें खीर में डाल देंगे। और इसको फेंकना नहीं है, ये हम चाय जो चाय की पत्ती जो होती है उसके चाय की पत्ती के डिब्बे में डाल देंगे। इससे चाय में खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो हर चीज काम आती है, ध्यान रखें। इसको हम चाय की पत्ती में डालेंगे। देखिए बहुत अच्छे से खीर पक रही है, हमने गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर दी है, बिल्कुल अभी की है। और ये जो हमने इलायची के दाने निकाले हैं इसको डाल देंगे, जिससे कि हमारी खीर में बहुत अच्छे से खुशबू आ जाए इसकी। और अब हम चमचा इसमें डालेंगे, इसको चला देंगे। गैस की फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, इसको हम कम से कम 1 घंटे तक पकाएंगे ही, 1 से 1.5 घंटा पकेगी हमारी खीर, तभी इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो इसको अब हम यूं ही पकने देते हैं, इसको हल्का सा हम ढक देंगे। ध्यान रहे कि पूरा नहीं ढकना है, वरना आपका दूध और खीर निकल जाएगी। देखिए बहुत अच्छे से ये काफी थिक हो चुकी है पकते पकते हमारी खीर, और इसको हमने बीच बीच में चलाया था, बहुत अच्छे से ये चावल बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शुगर डालेंगे यानी कि चीनी। चीनी हमने 250 ग्राम ली है। तो देखिए ये इस स्टेज पे बहुत अच्छे से चावल गल गए हैं, तो हम इसमें अब ये चमचा जो है निकाल लेंगे और इसमें हम चीनी डालेंगे, शुगर यानी कि ये 250 ग्राम है, इसको डाल के। और आपके पास कोई भी इस तरह का कोई भी है, मेरे पास ये है जिससे कि हम दही वगैरह चलाते हैं, तो इसको इससे इसको घोट देंगे। अब चीनी डाल के अगर घोटेंगे तो बहुत अच्छे से चावल इसमें मैश हो जाते हैं। इसको हमें कम से कम इस तरह से 5 मिनट करीब इसको चलाते रहना है, जिससे कि हमारे चावल बिल्कुल से मैश हो जाए, यानी कि एक बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। तो हम इसको चलाएंगे बराबर 5 मिनट। तो देखिए काफी हद तक ये जो हमारी खीर है, ये जो चावल है, मैश हो चुके हैं, यानी इसको खीर घोटना बोलते हैं, तो हम घोट चुके हैं इसको। ये हमारी खीर को पकते हुए 1 घंटे के करीब हो चुका है, बहुत धीमे धीमे आंच पे हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो इसको अभी हम बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे, घोट लेंगे, यानी कि जो कि चावल हमें इसमें महसूस ना हो। तो देखिए खीर हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पे जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है, ये देखिए ये सभी इसमें डाल देंगे, और ये जो नारियल है इसको भी डाल देंगे। आप इसकी जगह छोटे छोटे पीस करके चाकू से भी काट के डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मुझे इस तरह से पसंद है, तो मैंने इस तरह से डाल दिया। इसको इसमें मिक्स कर देंगे, और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट बहुत स्लो गैस पे पकने देंगे, जिससे कि ये जो ड्राई फ्रूट है इसके साथ भी खीर हमारी जरा पक जाए, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, इसके साथ उभर के आएगा जो ड्राई फ्रूट का फ्लेवर है। तो 15 से 20 मिनट हम पकने देंगे, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, स्लो गैस पे ही हमें इसको पकने देना है। इसको हम ढक देंगे और हम आपको बताएंगे कि जो हमें खोया डालना है वो हमें किस तरह से डालना है। इसको ऐसे ढक देंगे, पूरा ढकना नहीं है हमें इसको, तो अभी और पकने देते हैं इसको। देखिए शुगर और हमने ड्राई फ्रूट डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, 10 मिनट हो गए हैं इसको और पकते हुए ड्राई फ्रूट के साथ। अभी हम इसको और पकाएंगे, हमने ये इसी में छोड़ दिया है क्योंकि इससे चलाएंगे तो बहुत अच्छे से ये मैश भी होती रहेगी जो रह गई है, और चलाने में भी आसानी है। बहुत अच्छे से ये खीर बन के तैयार होती है। बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे से लगे ना। और गैस की फ्लेम हमने बहुत स्लो रखी है, क्योंकि शुगर डालने के बाद खीर लगने का यानी कि जलने का डर रहता है। तो अब इसको हम एक और पकने देंगे 10 मिनट के करीब। तो देखिए ये खीर हमारी पकते पकते काफी थिक हो चुकी है, तो अब हम इसमें खोया डालेंगे। तो ये हमने इसको मैश कर लिया था, इसको डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, और खोया डाल के हम इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे। फिर उसके बाद में हमें धीमी आंच पे इसको 10 मिनट के लिए और पकाना है। देखिए खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं इसमें चावल बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। खीर इसी तरह से मुझे बहुत पसंद है कि खीर में चावल पता ना चले। ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये थिक लग रही है तो
तो आप इसमें उबला हुआ दूध यानी गर्म दूध डाल सकते हैं, ठंडा दूध नहीं डालना आपको। और इसको दूध डालने के बाद में इसको कम से कम 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, जिससे कि अच्छे से इसमें खीर में मिक्स हो जाए। तो खीर हमें इसी तरह की चाहिए, ये देखिए हमें ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है। तो खीर हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं चमचे को और गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। मावा डाल के भी हमारी खीर को पकते हुए कम से कम 10 मिनट पक गई है। ये देख सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट ही दिख रहे हैं, चावल बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो खोए वाली खीर बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको इसकी फिटिंग करके दिखाते हैं। देखिए खोए वाली खीर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसमें अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो अगर मेरी ये खीर की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप जल्द ही मिल जाए। ओके, थैंक यू।